शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिड फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय, ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा, समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिग फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। अपराधियों एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या महोदय के द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसी कड़ी में जनपद अयोध्या पुलिस के थाना रुदौली की टीम द्वारा कल दिनांक 17 मई को सायंकाल एक सूचना मिली थी पुलिस टीम को कि हरिहरपुर पुलिया के पास कुछ गोकशी करने वाले अभियुक्त आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर टीम द्वारा हिकमत अमली से वहाँ पर वहाँ उस उनको पकड़ने के लिए नाका लगाया गया और मौके पर कुछ ही देर में 6 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिनके पास से तत्काल तलाशी ली गई तो 2 चापड़, 2 छुरी, एक नुकीला सरिया जैसा कोई औजार और एक रस्सी बरामद हुआ और अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया कि वो गोकशी करने के लिए तैयारी कर रहे थे, जानवर पकड़ने के प्रयास कर रहे थे। इसके बाद उनसे उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया मैं सामान के और उनसे गहराई से पूछताछ की गई पूरी टीम द्वारा जिसमें सीओ रुदौली स्वयं शामिल थे। तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि दिनांक 15 मई को हरिहरपुर के पास ही एक वारात जा रही थी और उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल से अभियुक्त गोकशी के बाद 2 बोरियों में गोमांस लेकर कहीं जा रहे थे, उसको ठिकाने लगाने जा रहे थे। लेकिन उन लोगों ने बारात की भीड़ भाड़ को देख करके और घबरा गए और वहीं फेंक करके और भाग गए। उस समय मौके से 2 मोटरसाइकिल और बोरियों में गोमांस बरामद हुआ था, इसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि 15 मई को जो गोमांस बरामद हुआ था उस घटना में हमारे साथ जो लोग थे उसमें दोस्त मोहम्मद, असलम, ताज मोहम्मद, अकरम और जैद, ये सभी बड़ा गांव रौनाही के रहने वाले हैं, ये भी हमारे साथ थे। इस प्रकार उन्होंने इस घटना को भी स्वीकार किया और 15 मई की जो घटना हुई थी उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अब ये बताया कि उस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। ये 5ों जो लोग उन्होंने नाम लिए ये सभी रौनाही थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के रहने वाले हैं और मौके से जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उसमें मोहम्मद सईद और अकबर अली ये भी